नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो अभि चतुर्वेदी में। मैं अभिषेक चौबे आज लेकर आया हूँ लव राशिफल। 9 और 10 तारीख बहुत खास है कुछ राशियों के लिए, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से राशियाँ बताएंगे। इनकी लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो या इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, बहुत खुशी देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज आप याद रख लेना, आपका जो ब्रेकअप हुआ है वो राहु की वजह से ना हुआ हो, या फिर आपका जो कुंडली में महादशा है या अंतरशा या प्रत्यंतरशा है उसमें राहु की ना चल रही हो, और या फिर जो प्रत्यंतरशा है वो भी राहु की नहीं चल रही हो या केतु की ना चल रही हो। और यही विशेषकर ग्रह पंचम भाव से या सप्तम भाव से या अष्टम भाव से संबंध ना बना रहे हो, तब जैसा हम आपको बताएंगे वैसा ही आपके साथ होगा। क्योंकि आपको हम कई वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं, राहु के वजह से अलग होना, मान लीजिए कि वो कांटेक्ट दोबारा से मुश्किल से जुड़ना, और शनि के वजह से अगर कोई नो कांटेक्ट में हुआ है तो वहां चांसेस होते हैं, वहां ऑन ऑफ होता रहता है, वहां ये हो जाता है जब इंसान का मन होगा तब वो बात कर लेगा। आपने देखा होगा प्रायः कुछ महीने पहले कई राशियों का ब्रेकअप हुआ है, उसमें शायद आप भी होंगे, और कई ऐसी भी राशियां जिनके पार्टनर ऑन ऑफ कर रहे हैं, वो ऑन रहेंगे या ऑफ रहेंगे, और जो नो कांटेक्ट में वो आपके रियल में कांटेक्ट में आएंगे या नहीं आएंगे, क्या स्थिति है, ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है। आप बिल्कुल रियलिटी जानना चाहें और हकीकत सुनना चाहें आप, तब आप एक बार पर्सनल रीडिंग करवा लें। थोड़ा चार्ज जरूर लगेगा लेकिन जो रियलिटी होगी ना वो आपको पता चल जाएगी। आपके पास कुंडली नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप हिस्ट्री रीडिंग करवा सकते हैं, उससे पता लग जाएगा आपके पार्टनर के बारे में। आप रीडिंग करवाना चाहें, रियलिटी जानना चाहें, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर सर्च करें एस्ट्रो अभि चतुर्वेदी, वहां भी आप हमें डीएम में मैसेज कर सकते हैं। एक महाशय जी हैं, बेचारे बड़े परेशान थे पिछले साल, उन्होंने पूछा सर हमें फौरन जाना है, कब जा पाएंगे। उनको जो समय हमने बताया था उस समय वो फौरन गए हैं, प्रेजेंट में इंग्लैंड में हैं। ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा उनका समय चल रहा है, बहुत अच्छा जो वर्क करने गए हैं वो चल रहा है, और वो फिर से उन्होंने अभी अपॉइंटमेंट बुक किया था और बोले थे गुरु जी जैसा आपने बताया, जिस इस समय भी मैं आपके छत्तीसगढ़ में हूँ, यहाँ पर हमने एक साल पहले नहीं, 1.5 या 2 साल पहले आए थे हम, जितने लोगों की रीडिंग की थी, आज वो सभी लोग दोबारा से रीडिंग करवा रहे हैं और बता रहे हैं सर आपने जो हमारा समय बताया था आने वाला वो 2 साल में वैसा ही गुजरा है। ये हम सच में अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम रियलिटी बता रहे हैं आपको। आप भी वही हकीकत जानना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेन कॉइन, मेन टॉपिक पर। जानकारी गोचर के अनुसार चंद्र राशि के आधार पर दी जा रही है। चंद्र राशि अगर आपको नहीं पता है, मतलब मून साइन, तब आप सन साइन से चेक कर सकते हैं। अगर सन साइन भी नहीं पता है तब आप अपने नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। आप अगर वृषभ राशि के व्यक्ति हैं और आप काफी टूट गए थे या काफी परेशान हो गए थे, आपके लिए 9 और 10 तारीख इतनी खास है हम बता भी नहीं सकते हैं। आपके एक्स पार्टनर की इन 2 दिनों में वापसी होगी अगर कुंडली में दोष नहीं है तब, और आपका रिश्ता पहले की तरह देखने को मिलेगा। आप अगर सिंगल हैं, लाइफ में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तब भी आपकी लाइफ में किसी की एंट्री होने वाली है। आपको ध्यान अगर रखने की आवश्यकता है तो जो आपके एक्स पार्टनर आपके जीवन में वापसी करेंगे उनसे किसी पुराने टॉपिक को लेके चर्चा ना करें आप, ये ध्यान रखना है आपको। जिनके साथ रिलेशनशिप में हो उस रिश्ते में भी काफ़ी प्यार देखने को मिलेगा। आपके जो एक्स पार्टनर वापसी करने वाले हैं इन 2 डेट में, उनमें कोई आपका मिथुन राशि का पार्टनर रहा हो, या फिर कोई कर्क राशि का, या कोई कन्या राशि का, या कोई व्यक्ति मकर राशि का या मीन राशि का, तो इन राशियों की एक्स पार्टनर की वापसी होगी और इनके साथ आपका रिश्ता काफी मजबूत देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी राशि जिनकी लव लाइफ में खुशी मिलने वाली है, हम कह सकते हैं इनके मैरिड लाइफ में भी बाहर आने वाली है प्यार की,
दूसरी राशि है जिस राशि को आप और हम सिंह राशि बोलते हैं, सूर्य ग्रह की राशि है। आपके लिए भी बहुत खुशी का समय देखने को मिलेगा, आपकी भी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। आप अगर किसी से एक तरफा प्रेम करते हैं, वो आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। आप लव मैरिज के लिए सोच रहे हैं, बहुत अच्छा संयोग है। आप सिंगल हैं, किसी की आपके लाइफ में एंट्री होगी और आपका रिश्ता जिनके साथ आप रिलेशनशिप में बहुत मजबूत देखने को मिलेगा। कोई अगर आपके एक्स पार्टनर हैं, आप काफ़ी समय से उन्हें कॉल या मैसेज करने के लिए सोच रहे हैं अपने साइड से, बेझिझक कर सकते हैं, बहुत अच्छा संयोग रहेगा। आपके जो एक्स पार्टनर हैं उनमें कोई मेष राशि का रहा हो, या फिर कोई व्यक्ति कर्क राशि का, या फिर कोई इंसान तुला राशि का, या कोई मकर राशि का, या कुंभ राशि का, इन राशियों के जो एक्स पार्टनर, इनकी वापसी होगी और इनके साथ आपका रिश्ता पहले की तरह जुड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, दो राशियां हो गई हैं। तीसरी राशि जिनके लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में या एक्स्ट्रा मैरिट अफेयर में बहुत प्यार देखने को मिलेगा, उस राशि को आप और हम बोलते हैं वृश्चिक राशि। मंगल ग्रह की ये दूसरी राशि है, आपको भी बहुत खुशी मिलने वाली है। आपके भी एक्स पार्टनर आपके जीवन में वापसी करने वाले हैं। जो आपके एक्स पार्टनर हैं उनमें कोई वृषभ राशि का रहा हो, या फिर कोई व्यक्ति सिंह राशि का रहा हो, या फिर कोई व्यक्ति धनु राशि का रहा हो, या कोई कुंभ राशि का, या मीन राशि का, इनकी आपके जीवन में वापसी होगी। और अगर इन्हीं के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो उस रिश्ते में भी काफ़ी प्यार देखने को मिलेगा। छोटी छोटी बात कुल बात पे पार्टनर रोमांटिक नज़र आएगा और आपका बहुत मतलब ख्याल रखेगा, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा उस समय व्यतीत करेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपकी चौथी राशि, जिस राशि को आप और हम बोलते हैं मकर राशि। ये शनि ग्रह की फर्स्ट राशि है। आपको भी आपका खोया प्यार वापस मिलने वाला है। आपके भी लव लाइफ में बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा। आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो उस रिश्ते में भी काफ़ी प्यार नजर आएगा पार्टनर की साइड से। कोई स्वार्थ नहीं होगा, और वो अगर आपके लाइफ में कोई नो कांटेक्ट वाले पार्टनर है वो आपके जीवन में वापस आएंगे, और जो ऑन ऑफ हो रहा था आपके रिश्ते में वो ऑन ऑफ भी नहीं होगा। आपके जो एक्स पार्टनर वापसी करेंगे उनमें कोई मेष राशि का हो, या फिर कोई कर्क राशि का हो, या कोई तुला राशि का हो, या कोई मीन राशि का हो, इनकी वापसी होगी और इनके साथ आपका रिश्ता काफी मजबूत देखने को मिलेगा। पांचवी राशि मीन है, आपके भी जीवन में बहार आएगी। आपको भी आपके एक्स पार्टनर से बात करने का मौका मिलेगा, और हम कह सकते हैं आपके जीवन में पुनः बहार आने वाली है। अगर आप लोगों का सेपरेशन चल रहा था, आप लोग मैरिड हैं, तो वो भी खत्म होगा और आपका रिश्ता काफी अच्छा देखने को मिलेगा, काफी निकटता देखने को मिलेगी आपके रिश्ते में। आपके कोई एक्स पार्टनर है उनमें कोई कुंभ राशि का हो, वो आपसे जरूर बात करेगा, या फिर कोई तुला राशि का हो, या कोई सिंह राशि का हो, या कोई व्यक्ति मेष राशि का हो, 100% इनके साथ रिश्ता आपका पुनः जुड़ जाएगा। ठीक है, ये जानकारी हमने आपको गोचर के अनुसार चंद्र राशि के आधार पर दी है। आप रियलिटी जानना चाहें तब आप संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है। आज के लिए बस इतना ही, कल पुनः मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।